गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आप लोगों ने गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट आप लोग देख चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर वीडियोस में। और ब्रेन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आई के डेवलपमेंट। आई एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेन है और इसका डेवलपमेंट ब्रेन के साथ ही होता है, बल्कि इसका आधा हिस्सा ब्रेन के ही हिस्से से बनता है। तो ब्रेन और आई का डेवलपमेंट बिल्कुल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और आई के डेवलपमेंट में एक विशेष बात यह है कि एक ही टिश्यू से ये नहीं बनता। जैसे जनरली आप देखते हैं ब्रेन है हमारा तो वो न्यूरल एक्टोडर्म से बना था, लेकिन आई में सिर्फ एक्टोडर्म ही नहीं है, न्यूरल एक्टोडर्म में न्यूरल एक्टोडर्म है जिससे रेटिना बनता है, फिर इपिडर्मल एक्टोडर्म है जिससे हमारी स्किन बनती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और उससे लेंस बनता है, और मीजेनकाइम जो कि मीजोडर्म का डेरिवेटिव है, इस मीजेनकाइम से आई के कुछ स्ट्रक्चर स्क्लेरा और कोराइड। तो आई का डेवलपमेंट समझने के लिए आपको एक बार दिमाग में आई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना है और ब्रेन का डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, वहीं से ये होता है। और ये ध्यान में रखना है कि एक ही जर्म लेयर से नहीं बल्कि दोनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार यहाँ पर आई का जरा स्ट्रक्चर आप अपना रिवाइज कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये रेटिना है और लेंस है, कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और आइरिस है, ये कॉर्निया के ठीक नीचे आइरिस, और आइरिस के नीचे जो ये ओपनिंग है ये प्यूपिल कहलाती है। तो ये ओपनिंग है जिससे होकर लाइट लेंस तक पहुंचती है और ऑप्टिक नर्व है ये, और आई के बाहर ये दो एनवेलप्स हैं स्क्लेरा और कोरॉइड। तो इन सब चीजों का हम डेवलपमेंट देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है इसमें। मुख्य रूप से हमको फ्रॉग में अपने को लिमिट रखना है, फ्रॉग में आई का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आई के डेवलपमेंट में तीन फेजेस, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज का मतलब होता है कि जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आई कप है, ऑप्टिक कप है, इसका ब्रेन से सेपरेट होना, एक उसका इनिशियल स्ट्रक्चर बनना, लेंस है ये एपिडर्मल एक्टोडर्म से बन रहा है तो लेंस का एक स्ट्रक्चर उभरना, उसका एक जो प्राइमरी फॉर्म है वो बनना, ठीक। तो ये फर्स्ट फेज की जो काम होते हैं कि एक ऑप्टिक कप बन जाए, फिर एक उसमें ऐसे लेंस बन जाए, ये इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन मतलब किसी चीज को प्रेरित कर, किसी काम के लिए प्रेरित कर। अब प्रेरित करना मतलब इंसान इंसान को प्रेरित करता है तो कह के प्रेरित करता है, तो शब्द बोल कर सकता है। यहाँ जो इंडक्शन होता है तो इसका मतलब है कि जैसे आप लोगों ने ब्रेन के डेवलपमेंट में देखा कि ऊपर ब्रेन है नीचे नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड ब्रेन के डेवलपमेंट को इंड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है? दरअसल यहाँ पर नोटोकॉर्ड से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स निकल के जाते हैं जो कि ब्रेन के द्वारा रिसीव किया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत इस पर स्टडी हुई है और अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे क्या होता है, वो एग्जैक्टली कौन से मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सजेस्ट किए गए हैं, वर्कआउट किए गए हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इस ब्रेन के डेवलपमेंट में हमने देखा कि ऊपर यहाँ ब्रेन बन रहा है इस टिश्यू से, न्यूरल प्लेट से, और नीचे नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड इज इंड्यूसिंग दिस न्यूरल प्लेट टू ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रेन। नोटोकॉर्ड इंड्यूस करता है कि ये ब्रेन, न्यूरल प्लेट जो है ब्रेन में ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ इंडक्शन की प्रक्रिया हो रही है इन दोनों के बीच। दिस नोटोकॉर्ड इज द इंड्यूसर, ओके, दिस इज द इंड्यूसर
and this neural plate was the tissue that was being induced. ये वो टिश्यू है जिसका इंडक्शन हो रहा है और नीचे नोटोकॉर्ड है जो इंड्यूस कर रहा है. तो उसी तरह से और इंडक्शन में हो क्या रहा है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल के ऊपर इसमें आ रहे हैं न्यूरल प्लेट. तो उसी तरह से आई के डेवलपमेंट में भी यहां पर कई चीजें एक दूसरे को इंड्यूस करती है, यानी कुछ केमिकल्स भेज के, कुछ मॉलिक्यूल्स भेज के और उसको इंड्यूस करके उसको प्रेरित करती है कि अब तुम ये बनाओ. ठीक है, अब तुम ये बनाओ. तो हम लोग ये देखेंगे सब इंडक्शन. तो फर्स्ट फेज में ये इंडक्शन वाला काम होता है और इंडक्शन से जो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो बनते हैं. प्राइमरी ऑप्टिक कप बनेगा, लेंस बनेगा, ये सब काम. तो अब ये जो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बन गए, इनिशियल स्ट्रक्चर्स हैं बन गए, ऑप्टिक कप बन गया, लेंस बन गया. तो सेकंड फेज में उसका सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है. सेलुलर डिफरेंशिएशन मतलब आई एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. तो जैसे लेंस है, सारे टिश्यू हमारे सेल से बने हुए हैं, लेंस भी सेल से बना है, लेकिन ये स्पेशल सेल्स हैं उसमें जो दूसरे शरीर के दूसरे सेल से कुछ अलग तरह के. तो वो अलग तरह के कैसे होंगे, उनका डिफरेंशिएशन होगा. शुरू में तो ऐसे ही सेल होंगे जैसे हर जगह सेल है, लेकिन जब लेंस बनना है, उसको लेंस की तरह काम करना है, तो उसको ट्रांसपेरेंट होना होगा, उनके सेल्स को ट्रांसपेरेंट होना होगा. तो वो सेल्स कैसे अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लेंस के स्पेशल सेल्स में, ऑर्डिनरी सेल्स अपने को लेंस के स्पेशल सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज सेलुलर डिफरेंशिएशन. उसी तरह से रेटिना है, ये भी बड़ा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, इसमें बड़े स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स वुड्स पाए जाते हैं. तो रेटिना में भी जो सेल्स है रेटिना के, रेटिना तो बन गया, लेकिन इसके सेल्स जब वो स्पेशल स्ट्रक्चर अवेल करेंगे, स्पेशल उसमें प्रॉपर्टीज आएंगी उनके सेल्स में, जिससे कि वो रेटिनल सेल्स बन जाएं, That is the phase of cellular differentiation or cytodifferentiation. तो पहले phase में induction हो रहा है और primary structures बन रहा है. Eye cup, optic cup बन गया, lens बन गया, this बन गया. लेकिन अभी ये retina की तरह काम नहीं कर रहा है, optic cup की तरह काम नहीं कर रहा है, ये lens की तरह काम नहीं कर रहा है. तो अब ये first phase हो गया. Second phase में क्या है कि जो optic cup में retina है, इस retina के cells specially differentiate ताकि वो retina बने. सेल लेंस है, लेंस के सेल्स भी स्पेशली डिफरेंशिएट ताकि वो लेंस बने. तो सेकेंड फेज में क्या होता है कि सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है. पर थर्ड फेज में कुछ सुप्रा सेलुलर कैरेक्टर्स डेवलप, सुप्रा सेलुलर जैसे सुप्रा सेलुलर कैरेक्टर्स क्या है भाई, जो उनके साइटो डिफरेंशिएशन से बाहर की चीज, जैसे कॉर्नियल कर्वेचर. जैसे कॉर्निया है, तो कॉर्निया जो है वो उसमें एक स्पेशल कर्वेचर आना शुरू होता है, जिससे कि वो कॉर्निया का शेप, यानी जो डेवलपमेंट ऑफ शेप्स है, जैसे सिलियरी बॉडी है, आगे हम देखेंगे सब क्या है. तो जो पर्टिकुलर उनके शेप्स हैं वो जब डेवलप होते हैं तो उसे हम थर्ड फेज. ठीक है, तो फर्स्ट फेज में इंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल रूडिमेंट्स भी हम उसको कहते हैं, ये जो मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर को रूडिमेंट कहते हैं. सेकेंड फेज में सेलुलर डिफरेंशिएशन, थर्ड फेज में पर्टिकुलरली उस शेप का डेवलपमेंट, ये तीन फेजेस में है डेवलपमेंट. तो अब आई के डेवलपमेंट में जो पहली चीज होगी वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप. ये आप आंख के स्ट्रक्चर में जो देख रहे हैं ना, दिस इज द ऑप्टिक, ये पूरा ऑप्टिक कप. ये कैसे बनता है, दो तीन चीजों का ध्यान रखिए. दो मुख्य चीज है, ये पूरा ऑप्टिक कप है ना, जिसके ये जो है ये ऑप्टिक, दिस इज द ऑप्टिक कप. पहले की तरह से स्ट्रक्चर हो गया ऑप्टिक. ऑप्टिक कप में जो ये इनर लेयर एक है, यही रेटिना है, यहां देखिए इसी में, यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सीधा रेटिना. ठीक है, तो ऑप्टिक कप बनेगा तो उसी में रेटिना बनेगा. तो एक ऑप्टिक कप
और दूसरा यहाँ पर ये देखिए ये लेंस है, दिस इज द लेंस। ये दो इसके सबसे प्रमुख स्ट्रक्चर आई के डेवलपमेंट में। बाकी सब माइनस चीजें हैं, ये सब धीरे धीरे अलग से बनती है, कॉर्निया है और ये आइरिस है, स्क्लेरा है, कोरोइड है, ये सब बाद में बनता है। लेकिन मुख्य मेजर स्ट्रक्चर आई के डेवलपमेंट में जो आपको समझना है, समझने वाली दो ही चीजें हैं मुख्य रूप से, रेटिना और लेंस, ये दो चीजें आपको मुख्य रूप से। तो जो रेटिना है ये कहाँ है, ये ऑप्टिक कप, ये प्याले जैसा स्ट्रक्चर है, कटोरे जैसा, इसकी भीतरी वाल है, ये रेटिना हो गया, सॉरी ऑप्टिक कप हो गया, इसकी भीतरी वाल रेटिना है। और आप इसमें देखिए ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये लेंस यहाँ पर ऐसे पकड़ा, दो स्ट्रक्चर आपके ही तो मुख्य है ना, ऑप्टिक कप और ये लेंस, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं कैसे ये डेवलप होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक ऑप्टिक कप के पहले ऑप्टिक वेसिकल बनेगा। तो हम लोग आगे इसको ये इस आप लोग इस डायग्राम में देखिए कि क्या हो रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, ये वही फिगर जो आपने ब्रेन के डेवलपमेंट में देखा था। और आप जानते हैं कि मैं एक लाइन दो खींच रहा हूँ, इसके ऊपर दिस इज द फोरब्रेन प्रोसेंसिफेलॉन, और ये जो बीच में है दिस इज द मिड ब्रेन मेसेंसिफेलॉन, और इसके नीचे तो हिंड ब्रेन है। तो ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में आपने देखा था दो पार्ट इसके हो गए थे, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं इसको, दिस इज द टेलेंसिफेलॉन, और इसमें ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का टेलेंसिफेलॉन के नीचे वाला ये जो पार्ट है, दिस वन व्हाट इज दिस, दिस इज डायनसिफेलॉन। अब इस डायनसिफेलॉन में ही आप देख रहे हैं कि ये एक ऑप्टिक कप बन गया है, दिस इज, ये आप देखिए यहीं पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर ये बन गया है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ऑप्टिक कप। ये ऑप्टिक कप यही आंख हमारी बनाएगी आगे चल। ये ऑप्टिक कप कहां बन रहा है, आप देखिए ब्रेन में ही सही बन रहा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, सो द मेजॉरिटी द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ अवर आई इज अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। आंख का जो हमारा बड़ा हिस्सा है वो हमारे ब्रेन का ही हिस्सा, समझ रहे हैं। और ब्रेन के किस पार्ट का, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में किस पार्ट का, डायनसिफेलॉन, दिस इज डायनसिफेलॉन, ओके। तो डायनसिफेलॉन से ये ऑप्टिक कप, ठीक। अब इसको और अच्छे से समझिए कैसे ये बन रहा है। यहां आप देख रहे हैं कि ये ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द न्यूरल ट्यूब, दिस इज द न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब में दिस इज द डायनसिफेलॉन, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया न्यूरल ट्यूब, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूरल ट्यूब। और ये जो बाहर वाली लाइन है ये क्या है, बाहर वाली लाइन क्या है, ये एपिडर्मिस है जिससे हमारा स्किन बनेगा, इपिडर्मिस है। ब्रेन तो अंदर इपिडर्मिस के अंदर बंद रहेगा ना, ये ब्रेन है तो इसके ऊपर ये स्किन है, सब चेहरा, ये सब चेहरा स्किन है, ठीक है। आंख के भी आगे ये स्किन है, ये जो आंख में जो आप देखेंगे कि जो हमारी सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है रेटिना है, सॉरी कॉर्निया है, सबसे बाहर यहाँ क्या मिलेगा, कॉर्निया मिलेगा, हमारे स्किन का ही पार्ट है, इपिडर्मिस का ही पार्ट, उसी से बन। तो बाहर इपिडर्मिस और उसके अंदर ये न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब में ये जो डायनसिफेलॉन है, डायनसिफेलॉन में आप देखिए कि ये उभार बन गया, ये आउट पॉकेटिंग दोनों तरफ बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, यहाँ एक तरफ का दिखाया जा रहा है समझने के लिए। तो एक आउट पॉकेटिंग बन गया, इस आउट पॉकेटिंग को हम ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। अभी ये कप नहीं है ना, अब ये कप नहीं है, आप इसमें कुछ चाय पानी कुछ नहीं ले पाएंगे, ये क्या है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर, इसको ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। अब आप देखिए ब्रेन का ही पार्ट है ना, ब्रेन ऑप्टिक वेसिकल अब धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, और अब बड़ा हो रहा है। और एक चीज देखिए यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक। यहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है आप देखिए,
दिस इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है इसमें इसको ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहाँ से लग रहा है कि कोई यहाँ से काट के इसको निकाल देना चाह रहा है ना, यहाँ से कोई दबा रहा है। अब यहाँ देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन और बढ़ गया, कॉन्स्ट्रिक्शन इज फर्दर इंक्रीज हियर। तो ये ऑप्टिक वेसिकल में अब देखिए कि एक पतला सा स्टाक जैसे एक उसकी डंडी जैसी, जैसे फूल की डंडी होती है ना, स्टाक होता है फूल में, ठीक उसी तरह से यहाँ एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, स्टाक बन गई, दिस इज ऑप्टिक वेसिकल। अब आप देख रहे हैं यहीं पर लिखा हुआ है ये बाहर वाली लाइन क्या थी, एपिडर्मिस थी ना, ये बाहर वाली लाइन एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस। अब यहाँ एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं कि एक और चीज बनने लगा, इस एपिडर्मिस का ये हिस्सा थोड़ा सा थिक हो गया, ये हिस्सा थोड़ा सा थिक हो गया है ना, तो थिक हो गया है तो इसको हम कहते हैं ये लेंस प्लेकोड है, दिस इज द लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड का मतलब है कि यही स्ट्रक्चर आगे चल के लेंस बनाएगा, यही स्ट्रक्चर आगे चल के लेंस बनाएगा। तो ध्यान दीजिए ब्रेन का ये हिस्सा ऑप्टिक वेसिकल बना, ये आंख का ऑप्टिक कप बनाएगा और रेटिना इसी में बनेगा, और जो बाहरी एपिडर्मिस है ये लेंस प्लेकोड बना, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा हम लोग इंडक्शन की भी बात यहां पर समझ लें, ये जो ब्रेन बन रहा है, ब्रेन ये बना बन रहा है तभी तो ये डायन्सेफेलॉन बना है, और डायन्सेफेलॉन में ही ऑप्टिक कप बना, तो ब्रेन के बनने को कौन इंड्यूस कर रहा है, यहां भी कोई इंडक्शन हो रहा है, कौन इंड्यूस कर रहा है इसको, इस ब्रेन के नीचे मौजूद, ये ब्रेन नहीं है न्यूरल ट्यूब है, इस न्यूरल ट्यूब के नीचे मौजूद नोटोकॉर्ड, द नोटोकॉर्ड इज इंड्यूसिंग दिस न्यूरल ट्यूब टू डिफरेंशिएट इनटू ब्रेन। तो नोटोकॉर्ड चूंकि इस न्यूरल ट्यूब को ब्रेन बनने के लिए इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्टिक वेसिकल बना है ये भी उसी नोटोकॉर्ड से इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि नोटोकॉर्ड इस पूरे न्यूरल ट्यूब को इंड्यूस कर रहा है, पूरे न्यूरल ट्यूब को इंड्यूस कर रहा है कि तुम फोर ब्रेन बनाओ, तुम मिड ब्रेन बनाओ, तुम हाई ब्रेन बनाओ। तो ये नोटोकॉर्ड इस हिस्से को फोर ब्रेन बनने के लिए इंड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड ही इस डायन्सेफेलॉन को ऑप्टिक वेसिकल बनाने के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो पहला इंडक्शन कौन कर रहा है, नोटोकॉर्ड किसको इंड्यूस कर रहा है, फोर ब्रेन को, डायन्सेफेलॉन को, क्या करने के लिए, ऑप्टिक वेसिकल बनाने के लिए, ठीक, पहला इंडक्शन। अब देखिए दूसरा इंडक्शन दूसरा इंडक्शन जब ये ऑप्टिक वेसिकल आ रहा है इस एपिडर्मिस के कांटेक्ट में, लगभग इसके करीब आ जा रहा है, ये ऑप्टिक वेसिकल है ना, ये ऑप्टिक वेसिकल किसके कांटेक्ट करीब आया, लेंस प्लेकोड। तो ये ऑप्टिक वेसिकल अब लेंस प्लेकोड को इंड्यूस कर रहा है, एपिडर्मिस को इंड्यूस कर रहा है कि तुम लेंस प्लेकोड बनाओ। ध्यान दीजिए दूसरा इंडक्शन कौन कर रहा है, ऑप्टिक वेसिकल, द सेकेंड इंड्यूसर इज ऑप्टिक वेसिकल, किसको इंड्यूस कर रहा है, एपिडर्मिस को, दिस इज द एपिडर्मिस, बाहरी स्किन बनाने वाला टिश्यू एपिडर्मिस, क्या करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, लेंस प्लेकोड बनाने के लिए, लेंस प्लेकोड यानी लेंस का जो प्रारंभिक रूप है वो बना, अब लेंस प्लेकोड बन गया। अब देखिए अभी तक आपने देखा कि जरा दूसरे कलर का एक पेन ले लूं, आप देख रहे हैं कि इसने ऑप्टिक वेसिकल ने लेंस सॉरी एपिडर्मिस को इंड्यूस किया, इंडक्शन इधर से हुआ, ऑप्टिक वेसिकल ने एपिडर्मिस को इंड्यूस किया कि तुम लेंस प्लेकोड बनाओ, ठीक। देखो अब ये दूसरा इंडक्शन, पहला नोटोकॉर्ड द्वारा,
अब तीसरा इंडक्शन ये लेंस प्लेकोड भी इसको इंड्यूस करेगा। लेंस प्लेकोड अब इस ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस करेगा, इसलिए इंड्यूस करेगा। ये कहेगा कि अच्छा ऑप्टिक वेसिकल अब तुम इन्वेजिनेट कर जाओ, तुमने हमें तो इंड्यूस किया कि हम लेंस प्लेकोड बन गए, अब हम तुमको इंड्यूस कर रहे हैं कि तुम अंदर की तरफ डब जाओ। ये जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये ऐसे था, ये अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक, यहां पर देखिए ये जो सीधा लाइन था यहां पर, ये जो लेंस वेसिकल, ये ऑप्टिक वेसिकल था, अब ये बन गया ऑप्टिक का। कैसे बन गया, बहुत सिंपल है। यहां देखिए ये ऑप्टिक वेसिकल था, ठीक, और इसको यहां से लेंस प्लेकोड ने इसको इंड्यूस किया, लेंस प्लेकोड ने इसको इंड्यूस किया, तो इंडक्शन के बाद ये क्या हो गया, ऑप्टिक वेसिकल जो है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गया, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गया। ठीक, तो जब ये इन्वेजिनेट कर गया तो अब ये बन गया ऑप्टिक कप। ये क्या बन गया, ऑप्टिक कप। अभी ये क्या था, ऑप्टिक वेसिकल था, और अब ये क्या बन गया, ऑप्टिक कप बन गया। ठीक, कैसे बन गया, इन्वेजिनेशन के द्वारा। इसके ये देख दीवार धीरे धीरे इन्वेजिनेट करने लगी, ऐसे इन्वेजिनेट हुई, ठीक ना, फिर ऐसे इन्वेजिनेट हुई, ठीक, फिर ऐसे इन्वेजिनेट हुई, धीरे धीरे इन्वेजिनेट करती गई, और ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको ऑप्टिक कप कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि ऑप्टिक वेसिकल थी तब तो इसकी एक दीवार थी, एक ही दीवार है ना, एक दीवार है ये, एक दीवार, लेकिन जब ये ऑप्टिक कप बन गया तो अब इसकी दो दीवार हो गई है ना, एक तो ये बाहरी दीवार, ये इसकी बाहरी दीवार हो गई, और एक इसकी इस कप की प्याले की भीतरी दीवार। ठीक, दिस इज द इनर वॉल, ओके, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द इनर। अब ऑप्टिक कप बन गया, अब ऑप्टिक कप बन गया, तो ये देखिए कि ये जो तीन तरह के इंडक्शन हो गए, पहला नोटोगार्ड ने इस न्यूरल ट्यूब को इंड्यूस किया कि तुम ब्रेन बनाओ, फिर इस ऑप्टिक वेसिकल ने इपिडर्मिस को इंड्यूस किया कि तुम लेंस प्लेकोड बनाओ, और लेंस प्लेकोड ने इसको इंड्यूस किया, ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस किया कि तुम इन्वेजिनेट कर जाओ जिससे कि तुम कप बनाओ। और जब ये इन्वेजिनेट कर जाता है तो ये जो लेंस प्लेकोड है, ये लेंस प्लेकोड था ना, यहाँ पर ऊपर ये लेंस प्लेकोड था, ये यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा हो गया था ये, अब ये लेंस प्लेकोड इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक, और अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि ये ऑप्टिक कप है, ठीक, और इपिडर्मिस जो थी, जो लेंस प्लेकोड था, उस लेंस, वो लेंस प्लेकोड इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। ठीक, ये लेंस प्लेकोड इसके इसके अंदर आ गया, ऑप्टिक कप के अंदर आ गया। अब यहां देखिए ये इपिडर्मिस से ही लेंस प्लेकोड बना है, इपिडर्मिस का ये हिस्सा ऑफ लेंस प्लेकोड वाला ऑप्टिक कप के भीतर घुस गया, तो भीतर घुस गया तो अब बाहर इसके क्या, बाहर फिर इपिडर्मिस आ गई है ना। अब ये देखिए बाहर फिर इपिडर्मिस आ गई, ये इपिडर्मिस ही तो है, यहां से यहां वाला जो हिस्सा है वो क्या है, इपिडर्मिस है। तो लेंस प्लेकोड जब अंदर जाता है तो ये फिर बाहर इपिडर्मिस से कवर हो जाता है, तो अब ये जो लेंस प्लेकोड से लेंस बन जाएगा। ठीक, और बाहर इसकी जो इपिडर्मिस है, इसकी जो बाहर ये इपिडर्मिस है, ये बना देगी कॉर्निया, ये बन जाएगा कॉर्निया। ठीक, तो कॉर्निया भी इपिडर्मिस है, लेंस भी इपिडर्मिस है। ठीक, अब देखिए जो रेटिना, ये जो ऑप्टिक कप की दो दीवारें हो गई,
ऑप्टिक कप की दो दीवारें हैं, ये बाहरी दीवार ठीक, और ये भीतरी दीवार, ये डबल वॉल्ड कप हो गया ना। तो जो भीतरी दीवार है ये सेंसरी लेयर, भीतरी दीवार को क्या कहते हैं, जो मोटा सा दिखाया जा रहा है, भीतरी दीवार है सेंसरी लेयर, और बाहरी दीवार क्या है, पिगमेंटेड लेयर। बाहरी दीवार है पिगमेंटेड लेयर और भीतरी दीवार सेंसरी लेयर। बाहरी दीवार पिगमेंटेड लेयर में पिगमेंट्स डेवलप होते हैं, मिलानिन पिगमेंट, और भीतरी दीवार में सेंसरी लेयर में बहुत तरह के सेल्स बनते हैं और उसी में रॉड्स एंड कोन्स भी होते हैं, और बाद में यही दोनों मिलकर, ये दोनों लेयर आपस में मिल जाएंगे, अभी ये दोनों दो लेयर दिख रहे हैं, आपस में ये मिलकर बनाएंगे कॉर्निया, ये बना देंगे कॉर्निया। तो कॉर्निया में दो लेयर होंगे, भीतरी सेंसरी लेयर या नर्वस लेयर और बाहरी पिगमेंटेड लेयर, ठीक। तो ये दोनों मिलकर कॉर्निया बन जाएंगे, ये लेंस बन गया, ये ऊपर एपिडर्मिस है, यहीं पर कॉर्निया बन जाएगा, सॉरी ये मैं रेटिना, ये दोनों लेयर क्या बनाएंगे, रेटिना, सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना और पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, दोनों मिलकर रेटिना बना, ठीक। और यहां जो ये जो कट जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था ना, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और गहरा हुआ, तो ये ऑप्टिक कप का कॉन्स्ट्रिक्शन, अब आप देखिए कि काफी इधर से भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है और इधर से भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो कॉन्स्ट्रिक्शन से ये क्या बन गया, ये बन गया ऑप्टिक स्टार, ये बन गया ऑप्टिक स्टार। इसी ऑप्टिक स्टार में से ये जो दोनों रेटिना की लेयर्स हैं, इसमें से नर्व्स निकलेंगे, नर्व एक्सॉन्स, नर्व फाइबर्स इसमें से बाहर आएंगे, ठीक। और जब नर्व फाइबर्स बाहर आएंगे तो ये मिलके ये बंडल क्या बना देगा, ये बंडल बना देगा ऑप्टिक नर्व। तो बाद में जब आई डेवलप हो जाती है तो ब्रेन से, इधर ब्रेन है ना, इधर ये ब्रेन है, तो ब्रेन से इसका कनेक्शन सिर्फ इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही रह जाता है। और ये जो आपको अभी पहले वाला ये दिख रहा है ऑप्टिक स्टार दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये ऑप्टिक स्टार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आई का ब्रेन से कॉन्टैक्ट सिर्फ किस चीज के द्वारा रह जाता है, इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ठीक। ऑप्टिक नर्व कहां से, ये सब न्यूरॉन्स है, नर्वस लेयर है, न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स अपने एग्जांस इधर भेजते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, जो ऑप्टिक नर्व बना देते हैं और ये जाके ब्रेन से अटैच। तो जो मुख्य दो स्ट्रक्चर्स हैं ऑप्टिक कप, जिसमें कि रेटिना है और ये लेंस, ये इस तरह से डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कप है, ये हम लोग वहां पर डिस्कस कर चुके। अब ये बाकी डेवलपमेंट आई के दूसरे पार्ट्स का डेवलपमेंट है कि कैसे जो है स्क्लेरा और कोरोइड वगैरह ये सब डेवलप होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करते हैं। अभी पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर क्या है आंख के स्ट्रक्चर में, एक बार देख लीजिए ठीक से आप। ये जो लेंस है, लेंस के पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं, दिस इज द पोस्टीरियर चैम्बर। और लेंस के आगे यहां थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेंस के थोड़ा सा आगे, ठीक, इसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। ये जो हिस्सा है सफेद वाला, ये कहलाता है एंटीरियर चैम्बर, और पीछे लेंस के पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक। तो वो पोस्टीरियर चैम्बर डेवलप होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, उसमें विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर भर जाता है, ठीक है। अब यह है प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, ये जो ओपनिंग ऑफ आई है, आप यहां देखिए, ये जो ओपनिंग ऑफ आई है, ये शुरू में बहुत बड़ा है ना, यहां से यहां तक इसकी ओपनिंग, बाद में धीरे धीरे ये ओपनिंग छोटी होती जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाता है, जो बाहरी इसका मुंह है, इस प्याले का जो मुंह है, ये पहले बड़ा था, धीरे धीरे ऐसे छोटा होता जाता है। जो
इसकी जो बंद में जो छोटी ओपनिंग होती है वो ओपनिंग वही प्यूपिल वहीं पर बनता है, प्यूपिल पर कहलाता है। और एक चीज और है इसमें, कोरोइड फिशर। कोरोइड फिशर क्या है? कोरोइड फिशर जब ये ऑप्टिक कप बन रहा होता है, जैसे ये देखिए ऑप्टिक कप है, ये ऑप्टिक स्टाक है ना, ऑप्टिक स्टाक है, ये पहले ऑप्टिक वेसिकल था, फिर ये यहाँ पर इन्वेजिनेशन हुआ तो ऑप्टिक कप बन गया, ये इस ऑप्टिक कप में ये लेंस जा रहा है, तो नीचे एक तरफ ये खुला हुआ रहता है, खुला मतलब एक उसमें कट जैसा बना रहता है, इसमें ऑप्टिक कप, ऑप्टिक कप, यहां से एक बार फिर से समझिए, ये जो ऑप्टिक कप है ठीक, तो ये एक तरफ जब पूरा ये बंद, पूरा पीछे से पूरा बंद नहीं होता है, कुछ समय तक यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है ठीक, जो ओपनिंग रहती है उसको हम ऑप्टिक फिशर कहते हैं, सॉरी कोरोइड फिशर। द कैविटी ऑफ ऑप्टिक कप रिमेन्स ओपन वेंट्रली, जो ऑप्टिक कप की कैविटी है ये वेंट्रली खुली रहती है ना, और उस एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको कोरोइड फिशर कहते हैं। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। भाई आंख है ऑप्टिक, ये वेसिकल था, ये इमेजिनेट करके ऑप्टिक कप बना ठीक, तो कप बना तो नीचे से एक पूरा कवर नहीं रहता, एक थोड़ा सा ग्रूव जैसा रह जाता है, इसको कोरोइड फिशर कहते हैं। इसे किस लिए होता है, इसको कोरोइड फिशर से होकर ब्लड वेसल इस ऑप्टिक कप में चली जाए, एक स्लिट जैसा एक ओपनिंग बच जाता है, जिससे एक ब्लड वेसल होके ऑप्टिक कप में, आंखों से ब्लड भी तो चाहिए ना, तो ब्लड कहां से आएगा, तो ब्लड वेसल उसी कोरोइड फिशर से होकर आता है, कोरोइड फिशर से होकर आता है, बाद में फिर वो जब ब्लड वेसल आ जाता है तो फिर उसको पैक कर दिया जाता है, वो बंद हो जाता है ठीक है। किसी किसी में बहुत एक लाख एकाध केसेज ऐसे होते हैं जिसमें खुला रह जाता है, तो उसको एक वो एक हल्की सी वो कुछ बीमारी जैसा आंख में कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो अब हम आएंगे रेटिना, रेटिना कैसे डिफ्रेंशिएट हो, डिफ्रेंशिएट रेटिना बन तो गया है, ऑप्टिक कप की जो दो दीवारें हैं आउटर वॉल और इनर वॉल, यही दोनों मिलकर रेटिना बन गई ठीक है, लेकिन ये जब दोनों फ्यूज होंगी, इनका जब डिफरेंशिएशन होगा तब वो वास्तविक रेटिना बनेगा ठीक। तो रेटिना में दो लेयर आपने देखा है कि आउटर पिगमेंटेड लेयर था और इनर नर्वस लेयर या सेंसरी लेयर था ठीक है। तो ये इनका कैसे डिफरेंशिएशन होगा, आउटर पिगमेंटेड लेयर, आउटर पिगमेंटेड लेयर पतला ही रहता है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इस आउटर पिगमेंटेड रेटिना में कुछ मेसेनकाइमल सेल्स, बाहर से मेसेनकाइमल सेल्स इसमें माइग्रेट करके अंदर आ जाते हैं, वो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, और कुछ इसके अपने सेल्स, पिगमेंटेड लेयर के अपने सेल्स, एक इसके अंदर कुछ विशेष एक्टिविटीज शुरू होती हैं, टायरोसिनेज एक्टिविटीज होती हैं बॉल्जी में उसके, और उन सेल्स के अंदर मिलानिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है ठीक है, टायरोसिनेज एक्टिविटी के द्वारा। पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर कौन सा है, जो ऑप्टिक कप का जो बाहरी वाला है, ये ऑप्टिक कप है, ये उसका बाहरी लेयर है, ये भीतरी लेयर है, तो बाहरी लेयर कैसा है पिगमेंटेड, इसी के सेल्स में मेलानिन वगैरह डेवलप होना शुरू हुआ, और जो भीतरी लेयर है ये सेंसरी लेयर है या नर्वस लेयर जिसको हम कहते हैं, तो पिगमेंटेड सेल लेयर में पिगमेंट्स डेवलप होंगे और सेंसरी लेयर्स में या नर्वस लेयर में, नर्वस लेयर्स में इसके ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तीन लेयर्स इसमें बन जाते हैं। पहला लेयर रॉड्स एंड कोन्स का, दूसरा लेयर बाइपोलर न्यूरॉन्स कहलाते हैं जिसमें तीन तरह के सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर गैंग्लियन सेल्स और एमेक्राइन सेल्स, ये तो दोनों गैंग्लियन सेल्स हैं यानी कुछ नर्व्स के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं, एमेक्राइन सेल्स हैं ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं, ये कुछ सिंथेटिक ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं उनको हम एमेक्राइन सेल्स कहते हैं, और तीसरे नंबर पर गैंग्लियन सेल्स ठीक है, और इन दोनों के बीच में इन दोनों लेयर के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में ये रेटिना का जो है जो न्यूरल रेटिना है, ये दरअसल से न्यूरल रेटिना है, फोटोरिसेप्टर सेल्स ठीक है,
पहला जो आपने देखा था फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, तो ये फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन्स। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स, इसमें हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स है, बाइपोलर और एमेट्रांसेस। तो ये दूसरा बाइपोलर लेयर है, इसमें बाइपोलर सेल्स है और कुछ हॉरिजॉन्टल यानी कुछ ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं तो इनको हम हॉरिजॉन्टल सेल कहते हैं, और ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं और दीज आर एमेट्रांसेस। ठीक, दो लेयर हो गया। और तीसरा लेयर क्या है, गैंग्लियन न्यूरॉन्स। तो आप देखिए तीसरे लेयर में ये गैंग्लियन, और ये दो प्लेक्सी जहां जहां ये और ये फ्यूज कर रहे हैं, ये पहला और दूसरा जहां फ्यूज कर रहा है ये लेयर, इनके फ्यूजन वाला लेयर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, और जहां दूसरा और तीसरा फ्यूज कर रहा है ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो ये नर्वस रेटिना जो है सेंसरी रेटिना का आर्किटेक्चर है, और इसको जो एक्चुअल चित्र में यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो वही चीज है, थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, आप इसको बना सकते हैं एग्जाम में, ये आपसे समझ जानने के लिए है। ये वही डॉट्स एंड कोन्स, ऊपरी लेयर में डॉट्स एंड कोन्स हैं, बीच वाले लेयर में ये सब बाइपोलर न्यूरॉन्स, देखिए वही बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल सेल है ना, ये एमेक्राइन सेल्स हैं, और तीसरे लेयर में ये नीचे ये गैंग्लियन, तीन लेयर है ना, देखिए एक दो और ये तीन। तो ये यहाँ बताया गया है कि जो न्यूरल रेटिना है उसमें किस क्रम में सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ मुलर, ये न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ मुलर इधर दरअसल न्यूरॉन्स के बीच बीच में पाए जाते हैं, उनको सेपरेट करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, और गैंग्लियन सेल्स, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, फिर रॉड्स एंड कोन्स। ये बताने होता है कि रॉड्स एंड कोन्स सबसे अंत में डिफरेंशिएट होते हैं रेटिना में। अब इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि रॉड्स एंड कोन्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो लेयर है, या देखिए ऊपर दिस इज द पिगमेंटेड लेयर एंड दिस इज द नर्वस लेयर और सेंसरी लेयर। ठीक, तो पिगमेंटेड लेयर में ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये मुलर सेल्स जो कि न्यूरॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट कर। तो अब ये नर्वस सेल में जो नर्वस लेयर में ये जो न्यूरॉन है, आप देखिए इस न्यूरॉन में क्या हो रहा है कि एक बर्ड जैसा बाहर निकल जा रहा है, बाहर मतलब पिगमेंटेड और नर्वस लेयर के बीच। ये पिगमेंटेड लेयर है और ये नर्वस लेयर है, नर्वस लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस मतलब सेंसरी लेयर, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, इसमें देखिए कि ये बाहरी लेयर से बाहर बर्ड जैसे स्ट्रक्चर निकाल दे, बर्ड जैसा बन जा रहा है। ठीक है, ये बर्ड जैसा बना और थोड़ा डेवलप, फिर ये बर्ड थोड़ा और डेवलप। अब इसी बर्ड में आप देखिए कई स्पेशल ऑर्गेनल्स इसमें आके डिपॉजिट हो गए, क्या क्या है, पैराबोलॉइड है, माइटोकॉन्ड्रियन है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है। और देखिए यहाँ पर जो एक दिखाया गया है, मैं रेड कलर का ले लूं, ये देखिए यहाँ पर ये है बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी, ठीक, जिससे सीलिया वगैरह जनरेट होते हैं। ये बेसल बॉडी, ये एक्सियल फिलाम, ये बेसल बॉडी है, देखिए यहाँ पर देखिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं फिर से, जो वहां पर अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर जमा हो रहे थे, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, ऑयल ड्रॉपलेट, क्या है, अगले हम उसकी चर्चा करते हैं। एक बेसल बॉडी भी इसमें आ गया, बेसल बॉडी दरअसल क्या है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, ये दोनों दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों जब अलग नहीं हुए रहते हैं तो सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम यही बेसल बॉडी है, और इससे ये एक्सियल फिलामेंट निकलता है, एक्सियल फिलामेंट, माइटोसिस में जैसे वो माइटोटिक फिलामेंट बनाते हैं, यहाँ ये एक्सियल फिलामेंट। और ये जो बर्ड बना था, ये न्यूरॉन नीचे है, इसी ने ये बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो बर्ड जैसे स्ट्रक्चर का ये इनर सेगमेंट है, और इसी में से फिर ये आउटर सेगमेंट भी निकला, दो सेगमेंट हो गए, ये न्यूरॉन था है ना, इस न्यूरॉन से एक ये बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना, फिर ये बाइफरकेट हो गया,
एक बाहरी आउटर सेगमेंट और एक भीतरी इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट में ये सब ऑर्गेनेल्स जमा हुए, ऑयल ड्रॉपलेट, एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, और इसी में बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से जो एक्सियल फिलामेंट निकला ये जा रहा है आउटर सेगमेंट, इसके बनने के बाद ही आउटर सेगमेंट डेवलप। और आउटर सेगमेंट की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें इंटर डिजिटेशन हो जाते हैं, ये अंदर की तरफ स्टैक्स इसमें बन जाते हैं, और इस तरह से फाइनली ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो कि एक कोन बन गया। ये डेवलपमेंट ऑफ रॉड एंड कोन। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट, एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, मायोइड, मायोइड जो है वो एस्टिल कोलिनेस्टरेज रिच कॉन्ट्रेक्टाइल रीजन है ना, रॉड एंड कोन के बेसल पोर्शन में पाया जाता है। एलिप्सॉइड और कुछ नहीं है, एग्रीगेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पैराबोलॉइड क्या है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक। ऑयल ड्रॉपलेट्स बोन्स में पाए जाते हैं, ये कैरेटिनॉइड्स के ग्रैन्यूल्स, कैरेटिनॉइड्स। डिप्लोसोम बेसल बॉडी, ये इनर सेगमेंट में था और इसी से ये सीलियम बना और इसी से एक्सियल फिलामेंट निकला और जो आउटर सेगमेंट बना। अब बात आती है लेंस ऑफ आई। तो आप काफी कुछ लेंस ऑफ आई में समझ गए हैं, लेंस कैसे बना है ये हमने शुरू में ही आपको समझा दिया था, है ना। ये वही डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, ये ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है, ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल ने एपिडर्मिस को इंड्यूस किया, एपिडर्मिस से लेंस प्लेकोर्ड बना, ठीक। लेंस प्लेकोर्ड ने ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस किया, ये इमेजिनेट कर गया, ऑप्टिक वेसिकल लेंस प्लेकोर्ड को इंड्यूस कर रहा है, फिर ये भी इमेजिनेट करके अंदर आ गया और ये लेंस बन गया एपिडर्मिस, और बाहर इसके ये एपिडर्मिस। तो लेंस बन गया और उसका डिफरेंशिएशन की बात है, साइटो डिफरेंशिएशन की बात है। तो लेंस में दो साइड होंगे, एक साइड जो है ये देखिए, ये कॉर्नियल साइड है जो कॉर्निया की तरफ है, और ये साइड जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर की तरफ, ये पोस्टीरियर चैम्बर है ना, विट्रस बॉडी जिसमें है, तो ये पोस्टीरियर चैम्बर की तरफ की साइड हो गई और ये कॉर्नियल साइड। तो कॉर्नियल साइड जो है वो लेंस एपिथीलियम बन जाती है, कॉर्नियल साइड जो है वो एपिथीलियम जैसा स्ट्रक्चर होता है लेंस एपिथीलियम, और जो इनर साइड, जो इनर साइड है उसमें जो लेंस के सेल्स वो क्या होते हैं, इलांगेट होने लगते हैं। इस साइड लेंस के जो ये सेल्स हैं यहां पर, ये सब इलांगेट और इलांगेट होके एक स्टैक की तरह से सेट हो जाते हैं, स्टैक की तरह एक दूसरे के ऊपर, और वो ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके भीतर के न्यूक्लियाई डीजेनरेट कर जाते हैं। लेंस के सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, है ना, वो फाइबर शेप्ड हो जाते हैं और उनके जो न्यूक्लियाई है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ लेंस फाइबर डीजेनरेट, और जो उनका साइटोप्लाज्म है ये हार्ड हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट क्रिस्टलिन जमा। तो इस तरह से लेंस डिफरेंशिएट हो गया, कॉर्निया डिफरेंशिएट हुआ, लेंस डिफरेंशिएट हुआ, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेटिना, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, रेटिना डिफरेंशिएट हुआ, फिर लेंस डिफरेंशिएट हुआ, और अब डिफरेंशिएशन की बारी रह गई है कॉर्निया। तो कॉर्निया में भी दो लेयर हो जा रहते हैं, आउटर एपिडर्मल लेयर, और जो भीतरी लेयर है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगता है क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक। तो अब कॉर्निया के डेवलपमेंट के लिए ये पाया गया है कि लेंस का होना जरूरी है, यानी ये लेंस है ना,
तो ये देखा गया कि ये स्ट्रक्चर जब अगर कॉर्निया में बदले डिफरेंशिएट हो, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर लेंस हो। अगर लेंस यहाँ से हटा दिया जाए तो वो प्रॉपर कॉर्निया नहीं बन पाता। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ कोरॉइड कोट एंड स्क्लेरा। कोरॉइड कोट एंड स्क्लेरा क्या है? कोरॉइड कोट जो है ये मेसेनकाइम से बनता है, जो आई के सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर ये इसके दो आई लेयर्स है ना, कवर एनवेलप, कोरॉइड कोट और स्क्लेरा। तो कोरॉइड कोट क्या है? ये दरअसल जो वहां सब बाहर मेसेनकाइम है उसमें से ब्लड वेसल का एक नेटवर्क डेवलप होता है, और यही ब्लड वेसल का नेटवर्क जो है वो कोरॉइड कोट बन जाता है, और कोरॉइड कोट के बाहर मेसेनकाइम एक लेयर बनाती है, वो है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा एक प्रोटेक्टिव कोट, स्क्लेरा आंख के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट है। किस चीज से बन रही है? मेसेनकाइम। और मेसेनकाइम स्क्लेरा के अंदर क्या है? कोरॉइड कोट। उसमें क्या है? ब्लड वेसल्स है ना, ये भी मेसेनकाइम से। और अब इसके बाद जो चेन ऑफ इंडक्शन है कि कौन कौन से इंडक्शन हो रहे हैं, इंडक्शन के बारे में हमने आपको शुरू में बता दिया था। प्राइमरी इंडक्टर जो नोटोकॉर्ड है, ये जो कॉर्डा मेसोडर्म लिखा हुआ है, यही मतलब नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड है, उसके साइड में कुछ मेसोडर्म और टिश्यू भी होते हैं, इसको रूफ ऑफ आर्केंट्राम भी कहा जाता है इस दोनों को। कॉर्ड प्राइमरी इंडक्टर है जो कि न्यूरल प्लेट को इंड्यूस करता है। फिर सेकेंडरी इंडक्टर आई का प्रूडिमेंट है। टर्शरी इंडक्टर जो है वो लेग्स। ये आई डेवलपमेंट का है डिटेल, इसको पढ़िए और तैयार करिए। थैंक यू।